पंचक एकादशी चलचंचल श्रीक्षेत्र आज पवित्र पंचक आरंभ होवाबले श्रीजीवों दर्शन लगे श्रीमंदिर लगे श्रद्धालु भिड़ लक्ष्मीनारायण बेसवा ठियाकिया बेस दर्शन देखते श्रीजीव भोर चार द्वारफिटा छा पंदर अवकाश नीति शेष होगा पर छा तीस पंचकर प्रथम बेस लक्ष्मीनारायण बेस सिंहद्वार प्रवेश व्यवस्था करा बेले अन्य तीन द्वार पटे प्रस्थान रही व्यवस्था भिड़ को दृष्टि रखी श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था करा कर शांति श्रृंखला रक्षा मुतयन होती न प्लाटून फोर्स आज आसीन शुक्ल पक्ष कार्तिक मासर एकास्थिति एवं आज श्रीक्षेत्र आरंभ हो पंचुक तेणु ये पंचुक को लेकिन बेस भिड़ जमी श्रद्धा मान कारण आज पंचुक व्रत आरंभ कर दर्शन करभु लक्ष्मी नारायण बेस देखिकी बहुत खुशी अच्छु प्रभु जगन्नाथ लगे कार्तिक मास रे पंचुक करिया पे भल लगे कार्तिक मास रे पूर्ण तीर्थ भी कौन तीर्थ ना हला सबुड़ ए पुण्य हूँ बड़ पुण्य आम एत खुशी जे भगवान जी पाप कर सब आम पुण्य अर्जिक जीव बोली कहीकि आम जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करके आम दिन कटौ कार्तिक मस आज पुण्य करने पंचुक करने अनुभव कर भल लगे कार्तिक मस बार मसर गोटे मस हूँ गोटे पर्व से समस्त भल लगे आम कौन जाणीचु से भगवान निर्देश केवल आशीर्वाद ना धरिकी किमें माया संसार मुक्ति हमु से बाट बाबा देखु देखो कार्तिक मास रे विशेष भाव में कह गले पुण्य करिया को आछंती तो मौसी ए जो कार्तिक मास पुण्यर मास कुआ जाए एवं पंचुक पांच दिन विशेष भाव में नियम निश्चय पालन करती तो किभली आपण अनुभव करती कार्तिक मास बहुत खुशी अनुभव करछु आज लक्ष्मीनारायण बेश जगन्नाथ आज सुना बेश आम बहुत देख बहुत कष्ट जगन्नाथ पाइपु देखिपु बहुत आनंद अनुभव करोग कले आम आनंद भगवान देखने पेट पूरी जाऊँच बहुत आनंद लगे घर दुआ छाड़ी घर किसी मन पड़नी आ जगन्नाथ को देखी सब भूली जाइ अनुभव तो आउ कहू भाषार तुलना कराने से गाँ कथा कि मन पड़ ना जहाँ जी मसे जगह आसी अभिशान कर जगन्नाथ एत गहली झेल सुधा दर्शन नक जाए ना सबुद आम दर्शन करुचु पंचतीर्थ गाधु जावासा कर खावा पीवा भोक शोष मत जला ये जो आज पंचुक आरंभ कर लक्ष्मीनारायण बेस महाप्रभु दर्शन देते तो किभली आप अनुभव कर व्रत संपादन करेंगे आम आज भल खुशी द्वादशी एकादशी पालन करूँ लक्ष्मीनारायण महाप्रभु को आज दर्शन करी द्वादशी जात्रार आज संपूर्ण करूर्ण करू भलस कटिला पचीस दिन आ पांच दिन के खुशी कटि घर द्वार किसी मन पड़नी सब खुशी जीव कमी पाँच दिन पर पंचुकरे बहुत खुशी अनुभव कर द्वादश यात्रा रा शेष दिन आज सब दान पुण्य करी भगवान दर्शन करी मास जाक अच्छे कार्तिक मास रे जगन्नाथ राय दामोदर व्रत करी जगन्नाथ दर्शन करी घर द्वार भूलिकी राय दामोदर व्रत जगन्नाथ आपड़ कौन कहे पंचुक पांच दिन स्वतंत्र भाव में बग मध्य पंचुक करे आपड़ के पंचुक कर तो पंचुक करस जाक आज कार्तिक व्रत पालन करी आज एकादशी व्रत बोलिकी आस जगन्नाथ दर्शन करूँ मस जाक अभिज कर पांच दिन व्रत एकादशी आज बड़ एकादशी आज आसु व्रत करिया व्रत आम पंचक पांच दिन गोटे बेला खाऊ भगवान नाम जपि आम दिन जाऊ आम भगवान को सब दर्शन करुचु मन मध्य भगवान को दर्शन कर आज भगवान को जगन्नाथ को दर्शन करने आसू आम घर छाड़क जो खुशी अनुभव करें आम जीवन रे सार्थक बोल आम भावुँ भगवान को जीवन सार्थक बोली कहते हैं आप पंचुक करती पूरी में केमती आपको लगे कारण कालिया दर्शन सहित पंचुक कालिया दर्शन कर बेस खुशी लगुच आते गहली दर्शन देखा पार नहीं भाविला बेलू दर्शन दे दौर
ଏତିକି କୃତଜ୍ଞ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପଞ୍ଚୁକକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଶ ପଡ଼ି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏହି ବେଶକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭକ୍ତ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁଣ୍ଠ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଅହୈତୁକ ପୁଣ୍ୟଲାଭ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତୀମାନଙ୍କର।